अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ASMR चैनल। से जनाब जल्दी से ना मैंने यहाँ से थोड़ा सा काम करना है, मैंने कहा जल्दी से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, साथ आप लोगों के लिए क्रमलिंग भी कर दूँगी और ये काम भी कर दूँगी। मुझे ये मड उठानी है, ठीक है, और इसको टप में डालना है। ये देखो पता क्या, ये मड लास्ट में उठानी पड़ती है, वो इसलिए क्योंकि ये हवा से उड़ जाती है और गंदी भी हो जाती है। फिर ये ग्रीटी मड टेक्सचर है जिसका मैंने चुबाना था, उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड की है क्योंकि उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी थी मैंने। गजाला फरूकी आपके लिए भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है ब्लैक टेक्सचर की, और ग्रीटी मर्ड की जो है ना वो उनके लिए की है, और मेरी जितनी दूसरी जिनकी एट को थी, हाँ 8 तारीख को जिनकी सबकी सालगिरह थी, आपके लिए जो है ना हम फिर से एक वीडियो डेडिकेट कर देंगे, लेकिन मैं सबके नेम्स नहीं लिख पाऊँगी इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। मरियम चलो ये मैंने क्ले पॉट में डाल दिया, बाकी थोड़ा साइड पे कर देती हूँ अभी फिलहाल। यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी क्रमलिंग ये वाले टेक्सचर की, ये वाले टेक्सचर की ना फिर आ गया कर लो। हाँ जी वो ना खैर है पानी तो अच्छा किया मैंने इसको ब्लॉग में क्रम्बल नहीं, ओ वीडियो में क्रम्बल नहीं कही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे जी कितने कोई हार्ड है, ऐसी बात नहीं है, शेप ही मोटी है। ये देखो हवा से उड़ रही है अब, बेचारे इतने प्यार से पानी लगाते कि कहीं हमारे टेक्सचर ना गीले हो जाए। ये मैंने थोड़ा सा पेस्ट में डिप किया, हाय हाय कितनी अजीब अजीब आवाज़ें निकाल दी। मामा वो रेड मड बना दो ब्रश के साथ, पहले सारा वो उठा लो टेक्सचर। मेरी तो बाजू थक गई है, मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं और ये भी, खुशबू कितनी प्यारी आ रही, खुशबू बड़ी प्यारी खुशबू आ रही। इसको साथ ही उठा लेते हैं नहीं तो ये ना जाया बड़ी होगी।
देखो आप लोग कहते हैं ना सात अरेंजमेंट्स भी दिखाओ। ये सारा मैं इस पर डाल रही हूँ क्ले पॉट में ताकि ये टेक्सचर जल्दी सेट हो। क्ले पॉट को उठा के ऊपर रखो। हाय भाई बारिश करती है। चलो मैं इधर ही आ जाती हूँ। ये कप में ना ग्रे कलर कह रहे हैं। हाँ मंजी इधर कर लो थोड़ी। अच्छा हाँ उतर दाइयो तो छाँ छाँ। यहाँ पे टेक्सचर है। मैं पहले ना कैमरा ही साफ करूँ। मैं आप नहीं नज़र आ रहे मैं की बहा रही हूँ। चलो उसको बेशक रहने देते वो सेट हो जाना था। निकालना मुश्किल आ जाना। नहीं वो चंक्स बन जाएंगे ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाना आपको निकालकर। उसको धूप में रखोगे हो जाएगा सेट। अब ये ना ऐसे ही इतना बड़ा जो है ना मैं कैसे उठा के वहाँ पे रखूँ। पर लग बड़ा प्यारा रहा है। इसको अभी छेड़ती नहीं उसको उठा के ना सामने रखना है। चलो वहाँ पे रख दूँगी अभी फ़िलहाल ये क्ले पॉट पीछे करूँ। और यहाँ पे है ब्लैक डट। नहीं पता नहीं कौन सा टेक्सचर है मुझे भी नहीं पता। आई थिंक सो मड ही है। अच्छा जी यहाँ पे स्टील पॉट के ना यहाँ पे स्टील पॉट के कह रही पतीले में ना हम ब्लैक डट की ग्रमलिंग करते हैं। थोड़ी सी पहले इसके ऊपर ही करते हैं फिर उस पर करते हैं। नहीं फिर ना ये सही नहीं होता। फिर ये होता है कि वहाँ से उठाना निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इसी में ही कर लेते हैं। आराम से मामा आराम से। बना के बेशक चंक्स बना दो इस दफा। अच्छा हाँ दो टप्पों में डाल देना चंक्स बन जाएंगे। हर दफा शेप्स 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 ही होती हैं। अब ये वाला टेक्सचर यहाँ से उठाऊं। ये मैं नहीं उठाऊंगी अब मम्मा ही उठाएंगे। आगे चलते हैं। आगे कौन सा टेक्सचर है वो ब्राउन डर्ट वाला टेक्सचर नज़र आ रहा है मुझे। अब उसको क्रम्बल किस में करूँ ये नहीं समझ आ रही। खैर हम ये जो मैंने ग्रे कंक्रीट छोड़ा है ना थोड़ा सा इसको ही बाकी कर लेते हैं। यहाँ पे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। यहाँ पे ना इन्होंने पानी लगाया ना इसके ऊपर भी लग गया। ये शेप बड़ी मज़े की बनी है। गोल गोल न्यू शेप थी ये।
सलमान, ये सारी डस्ट उठानी है मैंने, मैं ही उठाऊंगी, वैसे बता रही हूँ, यहाँ से उठानी है, एक और जगह से उठानी है। कमाल है, इसको ना मैं साथ ही लगाऊंगी ये स्लैब को। आगे ना इसके ऊपर अगर टेक्सचर गिरता भी है ना, तो इसके ऊपर ही गिरे आगे पीछे ना। यहाँ पे चारकोल एशीज का टेक्सचर है, इसको भी अरेंज कर लेते हैं साथ, जो ये वाले चंक्स है इसको क्रम्बल कर लेते हैं, ये दोबारा बन जाएंगे। ये देखो हम ये दोबारा एशियस का ना बना दूंगी, इसको अभी फ़िलहाल कवर ही कर देते हैं, कवर करके इसके नीचे ही घुसा देते ताकि ये खलारा ना डाले। अच्छा यहाँ पे देखें ये स्लैब की जो है ना ये हालात हुए हैं, अब यहाँ से देखती हूँ जो चंक्स मिनी हैं वो निकलते हैं तो ठीक है, वरना फिर ब्लॉग में ही देते रेती क्रम्बलिंग हो जाएगी। अच्छा ये भी स्लैब सही निकली है, ये मिनी है, ये भी मिनी है, मैंने सारा ही उठा दिया, देखी जाएगी अब यहां से ना। ये भी बड़ा है, ये ड्राई नहीं है, बड़े वैसे भी क्रम्बल नहीं होते जल्दी। अब इसको मिक्स करती हूँ थोड़ा सा ग्रिड्स प्ले, भाभी को बड़ा पसंद है। चलो जनाब, उसके अलावा आप कौन सा टेक्सचर है जो क्रम्बल करने के लिए, ये वाला टेक्सचर भी क्रम्बलिंग करती हूँ, पिछले ब्लॉग में भी इसकी क्रम्बलिंग की है, काफ़ी मज़ेदार टेक्सचर है, और ये ज़्यादा भी हो गया क्योंकि इसमें ना तीन टेक्सचर कह लो, अलो अद्धा उधर डेक के मिक्स हो गए। रहमत का यार, लगी है मुझे वादू की प्यास, गर्मी में तब से लगी हूँ, अभी नीचे चलते हैं।
ठीक है। बाकी ये सारे टेक्सचर्स अभी जो है ना प्रिपेयर्ड होने वाले हैं। हाँ, इसकी जो है ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही लूँ। कि ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं थोड़ी सी। मैं एक शेप आपके सामने ये कंबल कर देती हूँ, बाकी जो है ना मैं वीडियो इसकी रिकॉर्ड कर लूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाबा टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में ज़्यादा सारी क्रम्बलिंग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू वेल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़। फी मानी लव।